सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे होंगे ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर की। इसी का एक और नाम है एबीवी ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर, अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर। ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर आपके मध्य प्रदेश में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। बहुत सारे ट्रिपल आईटीज हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रहे हैं, एक तरीके से उन्हें हम प्राइवेट कॉलेज कह सकते हैं, बट कुछ ट्रिपल आईटीज फुल्ली गवर्नमेंट है और ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर भी हमारा एक गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी ही है। ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर आपका सबसे पुराना ट्रिपल आईटी है इंडिया में। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और आज के डेट में इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 88 चल रही है। अगर प्लेसमेंट की बात कर ले तो 2023 का भी प्लेसमेंट चल ही रहा है, फिर भी अभी तक हाईएस्ट पैकेज 65 एलपीए और पूरे कॉलेज का एवरेज पैकेज 24.31 एलपीए गया है। अब पूरी डिटेल्स तो पूरा प्लेसमेंट 2023 का जब खत्म हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन चलिए तब तक 2022 के पूरे प्लेसमेंट डिटेल्स देख लेते हैं। तो 2022 में जो सबसे हाईएस्ट पैकेज गया था वो था 1.95 करोड़ का, जो कि आपको आईआईटीज और टॉप एनआईटीज में देखने को मिलते हैं। और ट्रिपल आईटी ग्वालियर भी हमारा कहीं पीछे नहीं है, टॉप के ट्रिपल आईटीज और बहुत सारे एनआईटीज से आगे ही आता है। तो हाईएस्ट पैकेज 1.95 करोड़ के लिए गया था फेसबुक के तरफ से, जो आज के डेट में मेटा है, और ये पीपीओ था, प्री प्लेसमेंट ऑफर। वो क्या होता है भैया, तो जब आप इंटर्नशिप करने जाते हो और अगर कंपनी को आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगता है तो उसी समय आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर दे देती है। बात कर ले एवरेज पैकेज की 2022 में, तो कंप्यूटर साइंस का गया था 24.85 एलपीए, आपका आईटी ब्रांच में बीटेक प्लस एमटेक के लिए था 23.26 एलपीए, और आईटी ब्रांच में बीटेक प्लस एमबीए का था 18.85 एलपीए। अच्छा भैया, आपने इन्हीं तीनों को क्यों बताया, क्योंकि इस कॉलेज में सिर्फ तीन ब्रांचेस है। सबसे पहला बीटेक कंप्यूटर साइंस में, जो कि 4 साल का है, और बाकी दोनों 5-5 साल के हैं। पहला है आपका आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीटेक प्लस एमटेक, और तीसरा है आपका आईटी में बीटेक और प्लस एमबीए। तो ये तीन ब्रांचेस हैं, तो प्लेसमेंट्स तो बहुत शानदार है। और अगर कंपनीज की बात कर ले तो हर बड़ी कंपनी आती है, गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, आप जो बोल दो सारी कंपनी आती है यहां पर। यानी कि टॉप नॉच कॉलेजेस में विथ टॉप नॉच प्लेसमेंट के साथ बरकरार है ये कॉलेज। तो अगर ये कॉलेज आपको मिल रही है तो छोड़ने का तो सवाल ही नहीं बनता है। बात कर ले एडमिशन प्रोसीजर की, तो पहले जेई मेंस का एग्जाम देना है, फिर जोसा सीसेप काउंसलिंग में बैठना है। जेई मेंस में रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तो यहां आपके सामने जोसा 2022 सिक्स्थ राउंड का फॉर ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। आप यहां से अपने कट ऑफ देख लीजिए। अब आपको अगर हर कैटेगरी, हर राउंड के लिए कट ऑफ जानना है तो कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो यहां इंस्टीट्यूट फी, हॉस्टल एंड मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपके लिए ट्यूशन फी, जो कि 65,000 रुपीज है, पूरा माफ रहता है। तो यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो 8 लाख के अराउंड आपका पूरा 4 साल का बीटेक निपट जाएगा। और एससी एसटी कैंडिडेट हो मतलब ट्यूशन फी माफ है, तो उस केस में आपका 3 से 4 लाख में पूरा 4 साल का बीटेक निपट जाएगा। बात कर ले कैंपस की, तो 160 एकर्स का लाजवाब कैंपस है, ग्रीनरी भी देखने को मिल जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाएगी, हॉस्टल्स भी बढ़िया है, 3 बॉयज हॉस्टल 1 गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट ईयर में आपको 2 सीटर रूम्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हो तो आपको फर्स्ट ईयर से ही 1 सीटर रूम मिल जाएंगे, बाकी तो सेकेंड ईयर में सभी को सिंगल सीटर रूम मिल जाते हैं। आपको फुल्ली हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी हर जगह मिल जाएगी। उसके बाद बात कर ले भैया, फेस्ट अच्छे खासे होते हैं यहाँ पे, आपको स्टूडेंट एक्टिविटी में भी सब कुछ मिल जाएगा, स्पोर्ट्स सारी फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, स्नूकर्स तक है, स्विमिंग पूल भी है इस कॉलेज में, आपका नाइट कैंटीन भी है, मेस फूड ओके बताया है स्टूडेंट्स ने, क्योंकि देखिए मेस का खाना हर हॉस्टल की तरह ही है, न तो बहुत खराब न तो बहुत अच्छा। अब आप कुछ सड़े हुए मेस में भी इन्हें नहीं ले जा सकते कि दाल से पानी चूरा है, रोटी टूट नहीं रही, वैसी भी नहीं है, बट आप घर वाला खाना और रेस्टोरेंट वाले से भी कंपेयर नहीं कर सकते। मेस में आए हो, मेस वाला खाना खाना पड़ेगा, बस ऐसा खाना है कि आप अपना कॉलेज लाइफ सरवाइव कर जाओगे। बात कर ले भैया सीनियर जूनियर कल्चर की, तो वो हमें यहां से देखने को मिलता है कि बहुत सारे यहाँ स्टूडेंट क्लब्स हैं जहां सीनियर्स काफी हद तक जूनियर्स के लिए बहुत कुछ प्रोवाइड करा रहे होते हैं, कोडिंग कल्चर बढ़िया है, सीनियर्स टाइम टू टाइम कुछ वेबिनार कुछ सेमिनार ले रहे होंगे, कुछ क्लासेज भी ले रहे होंगे, कोडिंग कल्चर भी बढ़िया है, खाने पीने के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं, नाइट कैंटीन भी बढ़िया है, लाइब्रेरी यहाँ का है,
जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, आपको हॉस्टल लाइफ ढंग की देखने को मिल जाएगी। वैसे हॉस्टल क्या होता है, चार दीवारी ही तो है, आपके दोस्त ही है जो उसमें जान डाल देते हैं। तो दोस्त बढ़िया बनाइए, आपस में एक बॉन्डिंग बनाइए, लोगों के साथ नेटवर्किंग रखिए, फिर कॉलेज लाइफ का मजा आने वाला है। फेस्ट अच्छे खासे लेवल पे होते हैं, चार पांच फेस्ट हैं इस कॉलेज में जो आपको एनुअली हर साल देखने को मिल जाएंगे। आपका दो टेक्निकल फेस्ट होगा, एक कल्चरल फेस्ट होगा, एक इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स होगा, एक इंट्रा कॉलेज स्पोर्ट्स होगा। तो चार पांच फेस्ट भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो मतलब कॉलेज शानदार है और प्लेसमेंट्स तो आपने देख ही लिया, तो उस हिसाब से कॉलेज बढ़िया है। ठीक है, अब आप बताइए, अब आपको और किस कॉलेज का रिव्यू चाहिए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।